हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई से बनने वाली दो डिश, जो कि ये है ए मिठाई कलाकंद और ये है देसी घी। तो ये दोनों ही चीज़ हमने मलाई से बनाई हैं। तो मैंने घर की अपनी फ्रेश क्रीम से बनाई हैं ये दोनों ही चीज़, और ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह से आप घर में बनाएं। ये मेरी फ्रेश क्रीम है और ये 1 वीक की है मेरी, तो मैंने इस तरह से ले ली है। पैन में डालकर इसको हम गैस पर भुनेंगे रखकर। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम से हाई रखना है, यानी ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा लो होना चाहिए। मीडियम गैस टेम्परेचर पे हम इसको रखकर इस तरह से ढककर और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और चलाते ही रहें बीच में। अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे तो बीच में ये चिपक सकती है मलाई, तो इसीलिए इसको चलाते रहें। और इससे 5 से 10 मिनट लग सकते हैं चलाते हुए। फिर आप देख सकते हैं इस तरह से घी ने झाग बनाना शुरू कर दिया है, और यानी कि मावा अलग हो गया है, घी अलग हो गया है, दोनों ही चीज़ हमारी अलग से तैयार हैं। और बस ये हमारा तैयार हो चुका है, मावा और घी दोनों अलग से निकल चुके हैं। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। तो ये देखिए हमारा देसी घी तैयार है और हमारा मावा भी, दोनों ही चीज़ हमारी मलाई से निकल चुकी है। अब हम ये जो मावा है इससे हम कलाकंद मिठाई बनाएंगे। घी को हम साइड में रख देंगे और बस इसी मलाई इसी पैन में हम इस मावे को डालकर भून लेंगे। गैस हमने स्टार्ट कर दी है और इसमें हमने चीनी डाल दी है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मैंने इसमें शुगर डाल दिया है, तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। और बस इसको डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। इसमें मैं डालूंगी 5 चम्मच दूध, यहाँ पर इसमें हमने डाल दिया है। और इसको डालने के बाद और इसको थोड़ी देर के लिए और इस तरह से भुनेंगे गैस पर। बस गैस बंद कर दी है और ये मिठाई हमारी तैयार है। इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे। नीचे हमने शीट लगा दी है, बटर शीट लगा दी है, और इसको डालकर अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये हमारी कलाकंद मिठाई एकदम रेडी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनी है। और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पर मैं पिस्ते डाल रही हूँ, आप इसमें चाहें तो काजू या बादाम भी डाल सकते हैं काट कर। इसको ठंडा करेंगे, आप अच्छे से सेट कर लें और इसको ठंडा करने के बाद इसके पीसेस काट लें। और ये देखिए हमारी कलाकंद मिठाई एकदम रेडी है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये क्रीम से बनी है, यानी मलाई से ही दोनों चीज़ हमारी।